नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत सुना रही हूँ। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो देवी भागवत माता की जय हो। और आज है देवी भागवत के महात्म्य प्रसंग में राजा शघुमन के स्त्री बनने और श्रीमद् देवी भागवत श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा। बोलो श्री देवी भागवत माता की जय हो। इसके पढ़ने और सुनने से जगत में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रह सकते हैं। सुना है वे विश्वान मनु के पुत्र श्राद्ध देव थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी की संपत्ति से उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। विश्वान मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की, ब्राह्मण आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता मन ही मन कन्या उत्पन्न हो जो संकल्प करते हुए हवन करने लगे। इस विपरीत भावनाओं के फलस्वरूप इला नामक की कन्या उत्पन्न हुई। राजा विश्वान कन्या को देखकर उदास हो गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, यहाँ आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया? बोलो देवी भागवत माता की जय हो। राजा की बात सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ध्यानस्थ हो गए। उन्हें मालूम हो गया कि होता इस व्यक्तिक्रम के कारण है। होता वही है जो व्यक्ति हम क्रम अपने हमारे कर्म और यह हम सोचते हैं व्यक्तिक्रम के कारण है। तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनि ने भगवान श्री हरि की शरण ली। मुनि के तप एवं भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही पुरुष रूप में परिणत हो गई। उस समय गुरुदेव ने संस्कार करके इला का नाम शघुमन रखा। वे मनुपुत्र शघुमन ऐसे प्रकांड विद्वान हुए कि मानव विद्या के अथाह सागर हो। कुछ समय के बाद जब शघुमुख युवा हुए तब वे घोड़े पर शघुमन युवा हुए तब वे घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। बोलो देवी भागवत माता की जय हो। किसी समय की बात है, देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शनिक अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। संयमशील मुनियों ने देखा भगवान शंकर और पार्वती जी हास विलास कर रहे हैं। तब वे तुरंत लौटकर वैकुंठ को चले गए। फिर भी अपनी प्रेसी भार्या पार्वती को प्रसन्न रखने की इच्छा से भगवान शंकर ने यह श्राप दे दिया, आज से जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकृति स्त्री की बन जाएगी। उसी समय से पुरुष उस स्थान पर नहीं जाते थे। शघुमन वहां सहसा चले गए और जाते ही उनकी आकृति स्त्री की हो गई। बोलो देवी भागवत माता की जय हो। साथ के सब लोग भी स्त्री बन गए। जो घोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में परिणत हो गई। यह देखकर उस सुंदरी स्त्री को जब बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब वह वन में इधर उधर घूमने लगी। एक समय की बात है, जब वह स्त्री बुद्ध के आश्रम के सन्निकट पहुंच गई, उसे देखकर बुद्ध के मन में विकार उत्पन्न हो गया।
विकार उत्पन्न हो गया, उसे पाने की इच्छा जाग उठी। वे स्त्री भी सोमनंदन बुद्ध को पति बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी। तब वह स्त्री बुद्ध के साथ हास विलास करती हुई उन्हीं के आश्रम पर रहने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर बुद्ध ने उस स्त्री के गर्भ से पुरुरवा को उत्पन्न किया। बुद्ध के आश्रम पर रहते हुए उसे वर्षों बीत गए। एक दिन उसे अपना पहला वित्रांत याद आ गया। स्मरण आते ही उसे मन पर दुख की घटना छा गई। फिर तो वह निकली और तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर चली गई। उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुनः पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती हुई उनके शरणापन्न हो गई। तब सब बातें विदिति को जाने पर वशिष्ठ जी कैलाश पर गए। उन्होंने भगवान श्री शंकर जी को भली भांति पूजा की और उत्तम भक्ति के साथ वे उनके आराधना में लग गए। बोलो श्री माता रानी की जय हो, बोलो देवी भागवत माता की जय।